और ये मैं नहीं मांगे छान मंगाई ये दुकान बटन, क्योंकि ये मठ तो मिलती नहीं, घर पर मिलती मुझसे कि मेरा वीडियो मत, ये देखो ये देखो क्या आउच दिखाऊं। हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑलवेज फिट में और एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है मेरी, मतलब मेरी सुबह थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि भैया मैं हमेशा लेट ही उठता हूँ। भाई मेरा तो मन भी नहीं करता सुबह उठने का, और मैं तो भाई पहले जिम विम भी जाया करता था, वो सब मैंने बंद कर दिया। पता नहीं क्या हो गया, ये जो बेड आपको दिख रहा है ना, पता नहीं इसमें सोता हूँ यार। मैं सुबह उठता हूँ ना, मेरी यहाँ यहाँ पे पूरा दर्द रहता है, पता नहीं क्यों रहता है, मुझे नहीं पता है, लगता है ये चेंज वेंज करना पड़ेगा, गद्दा बेकार हो गया ये। तो चलिए अब मैं, नाश्ता पानी मेरा सारा हो चुका है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे आप सुबह उठते हैं घर के अंदर, तो अभी मेरा 4 साल से वर्क फ्रॉम होम है, और वर्क फ्रॉम होम में ये होता है दोस्तों कि मैं जब से घर से काम कर रहा हूँ तो सुबह उठते ही एक बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट आती है मेरी तरफ, और वो रिक्वेस्ट क्या होती है कि सुनो थोड़ा सा ये सामान ले आओ जाके। अब वो थोड़ा सा सामान जानते हो क्या है, कभी कुछ भी हो सकता है, मतलब ये आप समझ लो घर वालों की, कोई भी मुझे बोल सकता है कि मतलब सुनो क्या कर रहे हो, जाओ ये थोड़ा सा सामान लेके आओ। तो ऐसे ही कुछ फरमाइश मेरे पास अभी आई है कि मट्ठा लेके आओ। अबे मट्ठा कहाँ से लाऊं दिल्ली के अंदर, अब दिल्ली के अंदर भैया मट्ठा ही अट्ठा ही होती कि जो लोग साइकिलों में घूमते हैं ना वो लेके आते हैं, पर मट्ठा मैं कहाँ से लेके आऊं, अब मुझे दुकान जाना पड़ेगा। तो ये लोग कह रहे हैं भैया एक काम करो, मट्ठा आप तुम दुकान में जाओ, वहां से बोलो भैया छाछ ले, एक मसाले वाली छाछ लाओ, एक प्लेन छाछ लाओ, और पता नहीं क्या क्या लेके आओ। तो भैया मैं अभी जा रहा हूँ मार्केट, और पहले मैं आपको ना अपनी, जिन्होंने ये स्पेशल रिक्वेस्ट मुझे दी है कि भैया जाओ और सामान लेके आओ, उनसे ही पूछता हूँ कि भैया ये मंगवा के ये लोग बनवाने क्या वाले हैं। तो आओ पहले उनसे ही मिल लेते हैं, देखो बाहर क्या प्लानिंग चल रही है। तो भैया यही है वो प्राणी जो मुझसे अलग अलग तरीके की रिक्वेस्ट करती रहती है कि आज ये लेके आओ आज वो लेके आओ। तो भैया मेरे को पहले ये बताओ कि जो तुम्हारे लिए मैं छाछ लेके आना उससे क्या बनाने वाले हो, तुम मेरे को ये बताओ पहले। हेलो दगड़ियों, आज बनाऊ मैं पलियों, और गढ़वाल लोगों को तो सब कुछ पता हो लो कि पलियों का ना बनाऊंगा, तो मैं यूं मंग मंगाऊ छाछ दुकानी बिटन, और तब हम बनाऊ मैं बनाऊ पलियों, अभी दिखो मैं आपको। तो गाइस सुन लिया आपने, मेरी बीबी बनाएगी पलियों। वैसे मैंने नाम इसका सुना हुआ है कि पलियों पलियों कुछ होता है, पर आज बनेगा फर्स्ट टाइम। तो इसको पता नहीं आजकल कुछ अजीब अजीब खाने का मन हो रहा है, तो पता नहीं, चलो मैं चल रहा हूँ पहले मार्केट, पहले सामान लेके आ जाता हूँ। है प्लेन मट्ठा, और ये जो हरे वाली है ये है मसाले वाली। तो भैया लग जाओ काम पे, बनाओ शुरू। एक छाछ काफ़ी पतली नहीं लग रही, बहुत पतली पतली सी एकदम, बहुत ज़्यादा गाँव की जो छाछ होती है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गाढ़ी होती है, और बहुत मतलब कि मौली बोलते हैं ना, मौली मट्ठा वो होती है। बताओ भाई हमारे लिए क्या बनाया दिन के खाने में, ये बता दो बस। आपके लिए बनाए हैं चावल, हाँ ये बनाई है दाल। कौन सी दाल है ये? ये है उड़द और चने। ओहो उड़द चने की दाल, अच्छा सिंपल उड़द मुझे पसंद नहीं है, ये वाली उड़द और चने की दाल तो मुझे पसंद है। जब से झंगोरा आया है तब से ये 3 दिन से लगातार झंगोरा ही खा रही है, और इसके साथ साथ में आप पलियों ज्यादा भी मत खाओ, झंगोरा है, कभी कभार चावल भी खा लो, कोई भी चीज जो होती है जरूरत से ज्यादा दिक्कत ही देती है भाई साहब। दगड़ियों आज बनाऊ मैं पलियों, ये हमारी गढ़वाल की डिश होंगी, और आजकल मेरी इच्छा थोड़ा ये खाना की मतलब गढ़वाल का खाना खाने की इच्छा करनी मेरी, तो मैं गढ़वाल को खाना बनाऊ झंगोरो पलियों, मतलब गढ़वाल की डिश जो भी छा पौधा हुएगी, पौधा की रोटी हुएगी, और मैं मतलब सिंपल जैसे हमारा गढ़वाल में बनाऊंगा, अब तो गढ़वाल में भी नहीं बनाऊंगा, अब गढ़वाल के लोग भी काफ़ी फैंसी हो गया। मैं नमक डाली आटू डाली और नमक डाली और मिर्च डाली सिंपल सी, थोड़ा हल्दी डाली और थोड़ा सा धनिया डाली और कलर वाली मिर्ची और सब्जी मसाला थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ज़रा सा, बिल्कुल मेरा नॉर्मल खाना मन कर लो, तो मैं ज़्यादा चटपटू नहीं बनाऊँ। और ये मैं नहीं मंगे छान मंगाई दुकान बटन, क्योंकि मठा तो मिलती नहीं, घर पर मिलती। तो दगड़ियों में यहाँ मैं जीरो डालू थे, लेकिन मम्मी ने बोली कि यहाँ मैं जाखे डाल बल जाखे को जो स्वाद रंग बल जब फूके दो तब आऊँ, यहाँ मैं डालू मैं मिर्ची, एक मिर्ची बस, कि अलग अलग मतलब अलग अलग हमारे बड़ो इतना बड़ो कि हर जगह अलग अलग तरीके से बनाऊंगा, तो जो हमारा एक बनाऊंगा हमारा टीरी मग जो बनाऊंगा वो यहाँ बनाऊंगा। तो भाई यहाँ पे पूरा प्रोसीजर ये बता दिया शानू ने कैसे कैसे बनाना है, तो चलिए अभी इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक इसमें पूरा खद्दा नहीं लग जाता उसके बाद जब ये उबाल आ जाएगा इसमें तब इसको बंद करके शानू बताएगी कि उसका टेस्ट कैसा हो रहा है।
सो गाइस हमारे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, और आने के बाद देखिए आते ही हाथ में कटोरी लेके, और इसके अंदर क्या है भाई ये इधर दे, मुझे भी दे, मुझे भी चाहिए ये। क्या खा रही है, क्या ये? ये देखो स्लाइडर लगा रखा है यहाँ स्लाइड कर करके। और माय गॉड, हाय यूवी, कैसे हो यूवी की तो आँख ऐसी लग रही है सही में किसी ने घुसा मार दिया, देखना कितनी लाल दिख रही है। हमारे बच्चों की शिकायत आई है कि इन्होंने तमाशा लगाया। क्या तमाशा लगाया भाई तुम लोगों ने? ये लौंडा जो है ये शरीफ है, ये रोड में कुछ नहीं करता, पर ये जो है ना ये लड़की ये करती है तमाशा, पर आज इसने भी तमाशा करा। देखा खत्म हो गया मामला, तो अब ये उसके यूवी के छेड़ रही है। देखो इसको इतना शौक है ना कैमरे के करीब आने का, बिल्कुल क्लोज आ जाएगी। देखो आते ही डांट पड़ रही है, मार भी। भाई अब खाना खाने का टाइम हो चुका है और हमारे बच्चों ने खाना खा लिया, और खाना खाते ही देखे ये लोग फोन में बिजी हो गए अपना अपना, और हम बड़े लोग अब खाना खाते हैं। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो गाइस हमारा तो यही है गढ़वाली भाई लोगों का, दाल चावल, दाल और भात खाओ। सो वेल गाइस ये देख सकते हो आप शानू का खाना, ये पल्यू और ये इसके साथ में झंगोरा। ज़रा टेस्ट करके बताओ कैसा हो रहा है, ये सही हो रहा है, आ गया मज़ा? लो भैया ठीक है जी, अब जैसा भी बनाओ बहुत अच्छा हो रहा है। चलो भैया तुम झंगोरे का टेस्ट लो यहाँ पे और पलियों का, और हम लोग लेते हैं अपने दाल चावल का। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा मैंने भी ले लिया है पलियों, मैं खा के देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा हो रहा है, खट्टा खट्टा हो रहा है पर काफ़ी खूबसूरत और टेस्टी, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा लग रहा है। भाई खाना पीना हमने कर लिया, और अब एक सबसे ज़रूरी काम सिस्टम को लॉगिन करने का, तो भैया ये भी बहुत ज़रूरी काम है, चलिए इसको लॉगिन करते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये लड़का जो आप मेरी गोद में देख रहे हो, ये देखो फ़ोन भी छीन रहा है मुझसे ये कि मेरा वीडियो मत बनाओ, क्योंकि ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसको फ़ोन नहीं दिया जा रहा। अब ये फ़ोन देख रहा है इतना ज़्यादा कि अब ये ड्रामा कर रहा है। अभी इसको लेके आया तो ये देखो फ़ोन छीन रहा है मुझसे कि मेरा वीडियो मत, ये देखो क्या आउच, दिखाऊंगा मैं सबको कि तू कितना गंदा लड़का है, तू फ़ोन के लिए कितनी जिद करता है सबसे। तो गाइज यहाँ पे देख लो शानू अलग अलग तरीके के ब्लॉग देखती रहती है, जहाँ पे उसको बताते रहते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या पौष्टिक आहार होते हैं। अब ये किसी का ब्लॉग देख रही है, ब्लॉग के देखने उसमें देख रही है झंगोरा खा रही है, कोदे का आटे की रोटी खा रही है, और पता नहीं क्या क्या खा रही है। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, हैं ये देखो, पता नहीं कौन सी लड़की है ये, यूट्यूब पर उसका चल रहा है कुछ चैनल, कोई जो है गांव की लड़की है जो व्लॉग बना रही है, तो वो भी अपने किचन में है, कुछ ना कुछ बनाया जा रही है, तो बस उसी को देख देख के पूरा व्लॉग बन, मतलब पूरा इनको शौक चढ़ जाता है। मैंने एक दिन बताया था आपको कि वो कोई गरीब फैमिली देख के हुआ, अब ये लड़की को देख के आप देखो इसने कुछ बनाया होगा, पता नहीं अभी बोलेंगे कल यही बनाएंगे हम भी, तो तरह तरह की डिश ढूंढती रहती है। और कल के दिन ऑफिस खुल गए तो फिर वही 6 से 3 की हो जाएगी, और फिर ये व्लॉग बनाना भी छूट जाएगा, क्योंकि अभी तो हम घर पर हैं तो व्लॉग बना पा रहे हैं, कल के दिन अगर ऑफिस जाएंगे तो कैसे बनेगा व्लॉग। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ दोस्तों कि जो जॉब करने वाले बंदे होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है व्लॉग बनाना, जैसे कि मैं हूँ, और भी मेरे कई दोस्त हैं, मेरे एक फ्रेंड है जो गढ़वाल के ब्लॉग बनाते हैं, उनका नाम है रावत जी गढ़वाली भाई करके, और अभी उनका भी चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था, 21-22,000 सब्सक्राइबर थे उनके, बट सडनली उनको ऑफिस बुला लिया गया था, 2 महीने वो लगातार ऑफिस गए, जिसकी वजह से वो व्लॉग नहीं बना पाए, तो उनका चैनल थोड़ा सा नीचे डाउन हो गया, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब में कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, रेगुलर बेसिस पे आपके ब्लॉग्स आने चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है, क्योंकि पब्लिक फिर भूल जाती है आपको, आपके सब्सक्राइबर आपकी वीडियो का वेट कर रहे होते हैं, और अगर आप उसको ना डालो तो फिर वो भूल जाते हैं, और फिर जब आप डालोगे तो बहुत कम ऑडियंस अटेंशन आता है उस पर। तो इसलिए जो बंदे रेगुलर हैं इस चीज़ में वो तो बना लेते हैं, बट जो रेगुलर नहीं है जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हम लोग जैसे हमारे पास काम का प्रेशर आ गया तो हमें काम भी करना होता है, ब्लॉग भी करना होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए गाइज मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी मैं वीडियो डालूँ प्लीज़ उसको सपोर्ट करना, लाइक करना, क्योंकि आप लोग जब उसको लाइक करोगे, देखोगे, सपोर्ट करोगे और कमेंट्स करोगे वीडियो में, तो फिर उससे क्या होता है, हमें एक एनर्जी मिलती है नई कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें और वीडियो बनानी चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को देखिए, उसमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ये एक छोटी सी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। इसके पास 2 टॉफ़ी थी, इसने दोनों टॉफ़ी अपने मुंह में डाल ली, एक इस साइड में एक इस साइड में। चलिए दोस्तों पीते हैं चाय, क्योंकि काम करते करते हो चुके हैं पूरे 2 घंटे, और शाम के टाइम पे रिफ्रेशमेंट के तौर पे हम पियेंगे अपनी चाय। तो चलिए दोस्तों चाय मैंने पी ली है, और चाय पीने के बाद मैं कर रहा हूँ एकदम एनर्जेटिक फील, और मैं एकदम फ्रेश हो चुका हूँ, फ्रेश जिसे कहते हैं। और मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर देखिए एक और बालक बैठा हुआ है,
ये मेरे रूम में आके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मेरे सिस्टम को देखता रहता है, कहता है चाचू का सिस्टम कब मुझे मौका मिलेगा कि चाचू थोड़ी देर के लिए बाहर जाए और मैं काम तमाम कर दूं। तो ये मेरे रूम में ही रहता है, मेरे साथ ही रहता है और बैठा भी देखो मेरी चेयर पे ही है काम करने के लिए, देख रहे हो इसको। सो गाइस, इतने बिजी शेड्यूल के बीच में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है और वो ये है, आदमी भागा है ना अभी यहाँ से, ये जिम्मेदारी, इसको ले जाना है अभी घुमाने रात को 11 बजे, चलें। सो दोस्तों, अभी मैं करने जा रहा हूँ इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि रात के अभी बज चुके हैं 12:54, मतलब ऑलमोस्ट 1 बज चुका है, क्योंकि आज मुझे काम करते करते फिर लेट हो गई, क्योंकि काम ही इतना होता है यार कि जैसे ही शिफ्ट ओवर करने का टाइम होता है ना, वैसे ही कोई ना कोई पिंग करके बोल देगा भाई ये कर दो वो कर दो, तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा आज फिर टाइम लग गया। और अभी मैं एक और बैठूंगा अपने वीडियो को एडिट करने के लिए, तो पता नहीं उसमें कितना टाइम लग जाएगा, सुबह की 3-4 भी बज सकते हैं, तो लेट्स सी, होप, देखते हैं क्या होता है। तो भैया यही होता है कॉर्पोरेट वालों के साथ में, जो रात को काम करते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है कि भैया कभी भी काम आ जाता है, तो आप लोग मना भी नहीं कर सकते और काम भी करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार काम की, तो वो भी कंप्लीट किया है। तो गाइस फाइनली अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आज पलियों बनाया गांव की एक चीज़, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लेना सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे ब्लॉग और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर देता हूँ यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ और कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।